करनाल के शुगर मिल के पास आवर्धन नहर के समीप केमिस्ट शॉप के मालिक की बाइक मिली है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि केमिस्ट का कार्य करने वाला अंकित कहीं नदी में तो नहीं कूद गया है। फिलहाल आसपास के एरिया में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अंकित नाम के व्यक्ति की मोटरसाइकिल शुगर मिल के समीप आवर्धन नहर के किनारे मिली है। हो सकता है कि इसने नदी में छलांग लगाई हो, जिसके आधार पर डीसी ऑफिस से संपर्क कर गोताखोरों की टीम मंगवाई गई है और नदी में गोताखोरों की मदद से अंकित को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए परिजनों से पूछताछ की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि अंकित एक सीधा साधा इंसान था और जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। इसका किसी के साथ झगड़ा या वैर विरोध नहीं था, परंतु अचानक यहाँ पर अंकित की मोटरसाइकिल मिलने से मन में शंका पैदा होती है कि कहीं कोई अनहोनी घटना न घट गई हो। पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिजनों से बातचीत कर मामले का संज्ञान लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर गोताखोरों की टीम व पुलिस की टीम ने पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। कल ये 12 बजे गए थे जी करनाल के लिए, तीन लड़के थे मेरे, तो पार्टी वगैरह करने गए होंगे। फिर ये 6 बजे यहाँ पे रह गया, दो चले गए गाँव में। फिर इस भाई अब किसी अपने भाई के पास कॉल की होगी कि ये मेरी लास्ट कॉल है, बाय बाय ऐसे कुछ कहा होगा। ये सेल्फी वगैरह खींची है, बाइक के पास सेंड कर दी। फिर भाई आए, बाइक को बाइक दिखी बस, फिर वो 2-3 चक्कर मारे, फिर दिखी नहीं। फिर लड़के पे फ़ोन करा जो स्टोर पे था, बाइक का नंबर पूछा, फिर बाइक तो वही थी जो थी आंकड़ी थी। फिर उसके निशान देखे नीचे नहर में, हाँ उसे साइड में निशान देख के फिर उसे अंदाजा लगा लिया और क्या। फिर हम हम भी आ गए। फिर हमने इधर खेतों में ढूंढा, खेतों में तो मिल पाया नहीं। देखिए सर, ये मेरे पास रात को 11 बजे कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई, आप वहाँ जाओ, आवर्धन नहर है शुगर मिल के सामने, वहाँ एक बाइक खड़ी है अंकित नाम के लड़के की, और अंदेशा ये है कि भी उसने कोई नहर में छलांग ना लगा दी हो। जिस आधार पे मैं यहाँ मौके पे आया तो उसके काफ़ी गांव के लोग और परिवार वाले मिले, उन्होंने मेरे को एक एप्लीकेशन मूव की, जिसके आधार पर हमने FIR भी लॉज कर दी। और देन उन्होंने बातचीत के अंदर ये बताया भाई राकेश उसका भाई है, उसके पास उसकी लास्ट टाइम शाम को कॉल आई थी अपना 7 बजे के आसपास, तो भाई मैं मेरी लास्ट है ये बातचीत आपसे। जिस आधार पर वो यहाँ नहर पर आया, तो नहर पर आने के बाद उसको वो बाइक खड़ी मिली है, और बाइक खड़ी होने से उसने आइडिया लगा लिया भी ज़रूर मेरे भाई ने यहाँ छलांग लगाई है। जिस आधार पे उसने फिर गांव में पता किया, गांव के काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और हम मैं भी मौके पे आया, मैंने भी सारी बातचीत की। तो अब इसकी सर्च की जा रही है बॉडी की, कोशिश अंदेशा ये था भी कभी इसी के अंदर ना कूद गया हो, तो अभी नहीं मिली है। और गोताखोर टीम सुबह से लगी हुई है, DC साहब के ऑफिस से वो बुलवाई है टीम और वो लगे हुए हैं इस बारे। सर परिवार वालों से कोई बातचीत हुई? परिवार वालों से हमने कुछ पूछने की कोशिश की और उनके आसपास के लोगों से, उन्होंने बताया भी ये बड़ा सज्जन पुरुष था, बहुत बढ़िया लड़का था और 26 साल इसकी उम्र है, 2-1.5 साल इसकी शादी के हुआ था, परिवार में बिल्कुल सिंपैथी थी, पीसफुल है, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा उनके नोटिस में नहीं है और ना हमारे को कुछ बताया, बट वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, देख लेंगे जैसा भी सामने आएगी बात उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।